नमस्कार, मैं सीक्रेट रेसिपी बाय शुभांगी। इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए फिर आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची पाउडर, घर पर ही बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लाल मिर्ची ली हुई है। इसे मैंने अच्छे से धूप में 2 दिन तक सुखा के लिया है, साफ भी करके लिया, इसके डंडल निकाल के लिया है। और ये मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 70 ग्राम साबुदानिया, 70 ग्राम नमक, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम लहसुन और 40 ग्राम हरा धनिया, ये इंग्रेडिएंट लिए हुए। अभी हम मिर्ची पाउडर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मेरी एकदम मिर्ची एकदम सूखी हुई है। ये मिक्सर जार में अभी हम ये सूखी हुई लाल मिर्च डाल लेते हैं। फिर साथ ही इसी में थोड़ा साबुत धनिया, नमक और जीरा भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से फाइन पीस के लेते हैं। घर में मिर्च पाउडर ख़त्म हो गई थी और मैं मिर्च पाउडर बनाने के लिए सोच रही थी, सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही इजी है, कोई भी घर पे बना सकता है। बाहर मिर्ची पाउडर पर लेने के लिए तो उसमें बहुत सारी मिलावट होती है, अगर घर पे अपन बनाएंगे तो एकदम प्योर कोई भी चीज़ है वो अपने को मिल जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। देखिए अभी मैंने सब डाल दिया, अभी मिक्सर में इसे फाइन पीस के लेंगे। स्टार्टिंग में पल्स मोड पर पीसिए, बाद में उसे फुल स्पीड पर पीस के लेना है। घर पे कोई भी चीज़ जब बनाएंगे ना उसका स्वाद ही अच्छा रहता है और अच्छी तो बनती ही है। देखिए अभी मैंने ये पीस के लिया है। देखिए इस तरह से पीस के लेना है। अब हम इसे छान के लेंगे। बाद में इसमें से जो छानने के बाद रहता है फिर से उसे पीस के लेंगे। अब इसे छान के लेते हैं। देखिए अभी मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद ये जो छलनी में ये सब बीज बाकी रहते हैं ना, इसे फिर से हम पीसेंगे मिक्सी जार में डाल के। इस तरह से सभी मिर्ची हम पीस लेते हैं और छान के भी लेते हैं। अभी सब मिर्ची पाउडर मैंने छान के लिए हुए। अब ये जो बीज थोड़े से बचे हुए हैं ना, इसे हम फिर से मिक्सी जार में डाल के पीस के लेंगे। ज़्यादा नहीं बचे, एकदम थोड़े से बचे हैं। और अब हम इसमें लहसुन डाल देते हैं और नमक डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, वो भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे से उसे वॉश करके सुखा के लिया है मैंने ये हरा धनिया, और इसे पीस के लेंगे। हरा धनिया और लहसुन डालने से ये लाल मिर्ची पाउडर बहुत ही टेस्टी बनती है।
अभी जो हमने पेस्ट के लिए है इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे और फिर से इसे मिक्सर में चला के लेंगे। इस तरह से एक बार पीस लेते हैं सब कुछ। ये देखिए अच्छे से इसे पीस लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर में। इसे मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके लूँगी इस तरह से। इस मसाले से कोई भी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करके लेना। लहसुन और ये सब मिर्ची पाउडर में लगना चाहिए। लहसुन, हरा धनिया। अब हम इसे थोड़ा कलबत्ते से मिक्स कर लेते हैं। बस ऐसे भी किया तो बहुत है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। पत्थर से थोड़ा मिक्स करके ले रही हूँ मैं। आपको मेरी मिर्च पाउडर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख देना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये मिर्ची मसाला भी ज़रूर बना के देखना। आपको एक अलग सा ही फील होगा कि बस अपने घर में बनाया है, इतना अच्छे से बनता है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि अपन घर में कोई भी चीज़ बनाने के बाद। अपना मसाला रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर कलर आ चुका है ये लाल मिर्च पाउडर को। अब हम इस लाल मिर्च पाउडर को एक स्टाइल बॉटल में भर देते हैं। ये बॉटल मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के ली हुई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की, बहुत ही एकदम टेम्प्टिंग है। लाल मिर्च पाउडर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।